दोस्तों वेलकम बैक, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, यानी कि आपको मैं एक ऐसा कैलकुलेटर बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आ सकता है यदि आप स्टूडेंट हैं। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन आपको कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की बहुत ज़्यादा इक्वेशन वगैरह सॉल्व करनी रहती हैं तो आपके लिए ये कैलकुलेटर बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है, आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और इसमें सारे आपको वो फीचर्स मिलेंगे जो एक कैलकुलेटर में, एक स्पेशल कैलकुलेटर में होने चाहिए। और साथ ही साथ इसमें दो स्पेशल फीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही औसम है, जिन्हें मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इंश्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी के बटन को दबा दिया है, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने को मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस एप्लीकेशन को। तो उस एप्लीकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है प्ले स्टोर पर। वहाँ पर जाकर आप टाइप कीजिए कैलकुलेटर प्रो। जैसे आप कैलकुलेटर प्रो टाइप करेंगे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं इस एप्लीकेशन के एंड 4.5 की रेटिंग से। इस एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको सिंपली आपको इसका इंटरफेस एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाता है। तो एक एक करके मैं इसके बारे में सारी जो इसमें खूबियाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको साइड में 3 डॉट बटन मिल जाता है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें एक सिंगल एप्लीकेशन में 4 मॉडल हैं, यानी कि आप 4 तरह के कैलकुलेटर इसमें यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ऑसम तरीके से डिजाइन किए गए हैं। उसके अलावा इसमें कुछ नीचे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसमें भी एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे इंटरफेस देख रहे हैं ये बेसिक कैलकुलेटर है और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आप जोड़ घटाना गुणा भाग अपने आसानी से कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर से करते हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है साइंटिफिक कैलकुलेटर का, यानी कि जैसे ही आप साइंटिफिक मॉडल चूज करेंगे उसके बाद इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉस एक, लॉग, एक्स एन ई, लॉग के क्वेश्चन एंड अंडर रूट स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन इक्वेशंस या जो भी हो आप बड़ी आसानी से मैथ की, फिजिक्स की आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये कैलकुलेटर इस मोड में, अगर साइंटिफिक वगैरह वाला मॉडल आप चूज करते हो। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है इक्वेशन वाला भी मॉडल मिल जाता है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपने एलजेब्रिक इक्वेशन देखे होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x + 1 = 0, इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है उनको यूज़ करने के लिए आपको एक अलग से मॉडल मिल जाता है, जो कि बहुत ही इजी टू यूज है और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, एकदम सिंपल सा इसका मॉडल है। उसके अलावा जो इसमें पहले सबसे स्पेशल जो मॉडल है वो है इसका मैथ स्कैन वाला। मैथ स्कैन वाला इसका जो मॉडल है वो ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं जो आपकी किताब में लिखी हुई है और आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो सिंपली आपको इस मैथ स्कैन वाले जैसे मॉडल चूज करेंगे तो आपके सामने वो कैमरा ओपन हो जाएगा और उस कैमरे की मदद से आप इसको एडजस्ट करके स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद आपकी उस कैलकुलेशन को ये रीड कर लेगा और रीड करने के बाद उसको जैसे आप सॉल्व पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे बटन दिया गया है, उसको रीड कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये सॉल्व करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये सबसे इसका अच्छा मॉडल इसमें मेरे हिसाब से, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स में। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आपको देखने को मिल जाते हैं कि इसकी सेटिंग्स जो हैं उनमें सबसे पहले जो आपको ऑप्शन मिलता है वो है इसमें मेमोरी कीज़ वाला। तो जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको नॉर्मल जो बेसिक कैलकुलेटर है उसमें आपको मेमोरी के बटन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इससे पहले अगर आप इसको अनटिक करते तो मेमोरी के बटन इसमें आपको देखने को नहीं मिलते, अगर इन्हें अनटिक कर देते हैं, ठीक है। तो अनटिक करने पर यहाँ पे नहीं मिलते, मैं ऐसे टिक करके आपको ये दिखा देता हूँ। मेमोरी वाला ये है कि आप कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं तो उनमें जो स्टेप है वो मेमोरी में इसके चले जाते हैं, यानी कि आप उन्हें दोबारा से रीचेक भी कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप इसमें लिए थे, ठीक है। तो ये इसमें मेमोरी वाला सेटिंग हो जाती है। उसके अलावा इसमें एक वाइब्रेशन का मिल जाता है, जब भी आप कोई बटन वाइब्रेशन चूज करेंगे, कोई भी बटन दबाएंगे तो आपका मोबाइल जो है ना वो वाइब्रेट के साथ वाइब्रेट होगा। उसके अलावा अगर आप डेसिमल मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो आपको डेसिमल मार्क्स में आ जाएगा या फिर कॉमा में आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे ये कॉमा दिख रहा है, इसकी जगह पे अगर आप डेसिमल चूज करेंगे तो डेसिमल भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप इसको वाईफाई ऑटो स्कैन भी कर सकते हैं अगर ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। उसके अलावा इसमें लास्ट में जो सबसे ऑसम जो इसका सेटिंग है वो इसकी ये है कि आप इसमें विंडो पे जैसे आप इसको चूज करते हैं ना तो इसमें आपको साइड में यहाँ पे एक ये विंडो टाइप का जैसे मैसेंजर का एक विंडो खुल के आ जाती है और ये विंडो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये एक मिनी कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा, जहाँ पे जाके आप इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो, ये कैलकुलेटर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।